हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ सेशन। इससे पहले हमने कुछ सेशन डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि लास्टली आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या होम पेज पे सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से उन सबको आप देख सकते हैं। आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर लेक्चर, हर सेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही हमें फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, टेलीग्राम पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको इन सब का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, फटाफट से लाइक एंड शेयर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, और इसके अंदर क्वेश्चन है चिल्ड्रन कोल्ड LBW। ठीक है, चिल्ड्रन कोल्ड LBW यानी कौन से चिल्ड्रंस को आप LBW कहेंगे। आगे क्वेश्चन है विच बर्थ वेट, जिसका बर्थ वेट कितना हो कि उसको LBW बेबी कहा जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है मोर देन 2.5 kg, मोर देन 2.5 kg। सेकेंड ऑप्शन है लेस देन 2.5 kg। सी ऑप्शन है लेस देन 3 kg और मोर देन 3 kg। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए, चिल्ड्रन कोल्ड LBW यानी बच्चों को या बच्चे को कहा जाता है LBW। LBW क्या, आप सबको पता है LBW मीन्स क्या होता है। LBW मीन्स लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, अब लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है उसका मींस आपको समझाना है। ठीक है, तो यहां पर वेट आपसे पूछा है, आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर इसका आंसर आपको बताया जाएगा विद डिस्क्रिप्शन। चलिए इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऐसा बेबी जिसका बर्थ वेट 2.5 kg से कम हो उस बेबी को LBW बेबी कहा जाता है। और मोस्टली ये प्रीटर्म बेबी, प्रीटर्म डिलीवरीज के अंदर देखने को मिलता है, बाकी काफी सारी कंडीशंस हैं जिनमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आप यहां पर इन सबको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं, तो आगे अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इससे रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको बता दूं, यहां से एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि एट बर्थ बेबी का बर्थ वेट नॉर्मल कितना हो सकता है, एट बर्थ बेबी का बर्थ वेट नॉर्मल कितना हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया के अंदर एट बर्थ बेबी का नॉर्मल वेट क्या होता है, नॉर्मल वेट क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन है पूछा है। तो यहां पर अपन नॉर्मल वेट की बात करें, नॉर्मल बर्थ वेट की अपन बात करें तो वो होता है 2.5 से लेकर 3.9 केजी होता है। अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं कि 2.5 से 3.9 केजी तक नॉर्मल बर्थ वेट होता है। और यहां पर यदि अपन इसको एवरेज बात करें तो 3 kg अपन मान लेते हैं। 3 kg काफी सारी बुक्स के अंदर 3 kg एवरेजन मान रखा है और आप इसको एज इट इज मान सकते हैं कि एवरेज 3 kg होता है। रेंज में देखें तो 2.5 से 3.9 केजी तक आप मान सकते हैं इंडिया की अंदर अपन बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये थोड़ा सा वरी कर सकता है, चेंजेस हो सकता है। ठीक है, और LBW की बात करें तो LBW मीन्स 2.5 kg से बॉडी वेट कम है, एट बर्थ बॉडी वेट 2.5 से कम है तो उसको LBW बेबी कहेंगे। नॉर्मल वेट आपको बता दिया, LBW आपको पता चल गया। अब यहां पर कुछ कंडीशंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे अपन डिस्कस करते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए यहीं पर अपन बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके सामने ये था। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपके सामने, इसके अंदर अपन ने कुछ बातें की। अब यहां पर पूछा गया है कि LBW भी किस किस कैटेगरी का हो सकता है, LBW बेबी भी किस किस कैटेगरी का हो सकता है, यानी यहां से आपको
कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है या क्वेश्चन आ जाता है। कैसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू क्या होता है, वेरी एलबीडब्ल्यू क्या होता है और एलबीडब्ल्यू क्या होता है। तीन कैटेगरी यहां पर आपको याद रखनी है। एक तो याद रखनी है आपको तीन कैटेगरीज में, एक तो नॉर्मल जो याद रखनी है वो एलबीडब्ल्यू याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एलबीडब्ल्यू बेबी क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिसका वेट 2.5 केजी से कम हो, जिसका वेट 2.5 केजी से कम हो उसको एलबीडब्ल्यू बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलबीडब्ल्यू बेबी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी की अपन बात करें तो वेरी एलबीडब्ल्यू क्या होता है, वेरी एलबीडब्ल्यू क्या होता है, तो ऐसे बेबी, ऐसे चिल्ड्रन या ऐसे इन्फेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं, ऐसा बेबी जिसका भी बर्थ हुआ है उसका वेट एट बर्थ 1.5 केजी से कम हो, ठीक है, लेस देन 1.5 केजी से हो, तो उसको वेरी एलबीडब्ल्यू कहा जाता है। दो कंडीशन यहां पर होगी, एक एलबीडब्ल्यू जिसका वेट 2.5 से कम हो, दूसरा वेरी एलबीडब्ल्यू जिसका वेट 1.5 से कम हो, ठीक है। याद रखे दोनों क्वेश्चंस यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कि एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू क्या होता है, एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू, ठीक है, एक्सट्रीमली एलबीडब्ल्यू क्या होता है, यानी लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, एक्सट्रीम यहां से आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए 1 केजी, और 1 केजी भी लेस देन 1 केजी से या 1 केजी तक आपका वेट है, यानी बच्चे का वेट है, बेबी का वेट है, तो उसको एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू बेबी कहा जाता है, ठीक है। याद रहे यहां से आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने केजी में बताया, आपको ऑप्शन ग्राम में भी मिल सकता है, तो आपको कन्वर्ट करके आंसर पता करना है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ एक बेबी है, यानी बर्थ हुआ, जैसे कि मान के चलिए ये कोई आपका एक कोई बेबी है, इसका बर्थ हुआ, बर्थ के फर्स्ट वीक के अंदर इसका 10% वेट है लॉस हो जाता है, इसका 10% वेट है लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है, आंसर आपको पता होना चाहिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसी कंडीशन में बेबी की जो किडनी होती है वो कैसी होती है, इमेच्योर होती है। इसी रीजन से बेबी का वेट है 10% कम हो जाता है, जितना वेट उसका है उसका 10% वेट है लॉस हो जाता है फर्स्ट वीक में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेट लॉस हो जाता है तो वापस रिटर्न नहीं होता है, वो वापस से रीगेन हो जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बेबी का जो 10% वेट लॉस हुआ है वो रीगेन कब होता है, तो रीगेन होता है वो नेक्स्ट 1 to 2 week के अंदर, 1 to 2 week के अंदर वापस से वेट रीगेन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पॉइंट्स मैंने बताया वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं क्वेश्चन है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इन न्यू बोर्न बेबी इज कॉज्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, वो आप सबने पढ़ रखा है। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि इसका कोज क्या होता है, ठीक है। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन न्यू बोर्न, एक न्यू बोर्न के अंदर ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम होता है तो उसका कोज आपसे पूछा है, क्या कारण है, किस कारण से ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम होता है एक बेबी के अंदर। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है। ऑप्शन ए है एचआईवी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है गोनोरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है रूबेला इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है, फिर इसकी कुछ की पॉइंट्स अपन आप आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन जो कि कोज करता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, ठीक है। एक न्यू बोर्न के अंदर
क्लेम आइडियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कोज करता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम मीन्स आप सबको समझ आ रहा होगा आई से रिलेटेड है, ठीक है, आई से रिलेटेड है, या कह सकते हैं अपन ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम कंजक्टिवाइटिस। क्या कह सकते हैं? कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस ये होती है, ठीक है, याद रहे। आगे इसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक अलग से सेपरेट सेशन लेंगे, ठीक है। यहां पर कुछ दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दो क्वेश्चन याद रखने हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि किसी बेबी के अंदर मोस्ट ऑफ दी ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हुआ है, किसी बेबी के अंदर ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हुआ है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा, क्या मोस्ट कॉमन कोज किसका? ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का मोस्ट कॉमन कोज होता है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के अंदर भी अपन बात करें क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस, क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन न्यू बोर्न मोस्ट कॉमनली देखने को होता है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है क्लेमाइडियल ट्रेकोमैटिस, मोस्ट कॉमन है। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सीरियस, वेरी सीरियस ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के कारण, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम अगर निशेरिया गोनोरिया, यहां पर गोनोरिया लिखा हुआ है, यहां पर आपको याद रखना है निशेरिया गोनोरिया के कारण से हुआ, निशेरिया गोनोरिया के कारण से हुआ है तो ये मान के चलना ये काफी रेयर रेयर है, काफी रेयर कंडीशन में ये होता है, रेयर है बट वेरी सीरियस है, ठीक है, रेयर है बट सीरियस है, तो याद रहे वेरी सीरियस कोज ऑफ ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम दैट इज नोन एज निशेरिया गोनोरिया इन्फेक्शन, ठीक है, निशेरिया गोनोरिया इन्फेक्शन रेयर कंडीशन में होते हैं लेकिन वेरी सीरियस है और मोस्ट कॉमनली आपसे पूछा है तो क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है बीटा मिथासोन, आप सबको पता है बीटा मिथासोन एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीटा मिथासोन इज यूज न्यू बोर्न फॉर द पर्पज ऑफ टू प्रीटर्म, देखिए यहां पर कंडीशन दी है आपको कि एक प्रीटर्म बेबी आपके पास है, ठीक है, या सपोज आप हॉस्पिटल में है और एक प्रीटर्म आपके सामने है, प्रीटर्म आपके पास है और उसको मेडिसिन दी जाती है बीटा मिथासोन, तो उसका पर्पज आपसे पूछा है कि किस पर्पज से वो मेडिसिन उस प्रीटर्म को या प्री मेच्योर बेबी को दी जाती है। प्री मेच्योर और प्रीटर्म आप सबको पता है क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपन ढूंढते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन आप बताते हैं, ऑप्शन है टू प्रिवेंट जॉइंडिस, जॉइंडिस से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, टू मेच्योर द लंग्स, लंग्स को मेच्योर करने के लिए दिया जाता है, टू प्रोटेक्ट लीवर, लीवर को प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, और टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जाता है, किस पर्पज के लिए दिया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर फटाफट से आप बताइए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है टू मेच्योर द लंग्स, लंग्स को मेच्योर करने के लिए बीटा मिथासोन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, बीटा मिथासोन दिया जाता है किस पर्पज के लिए, लंग्स को मेच्योर करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है प्री मेच्योर बेबी है, प्री टर्म बेबी है तो उसके लंग्स हैं प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाते, यानी इमेच्योर रहते हैं, तो उसकी मेच्योर करने के लिए, उसको मेच्योर करने के लिए उसको क्या दिया जाता है, बीटा मिथासोन मेडिसिन दी जाती है। उम्मीद है आगे आपको समझ में। अब थोड़ी सी कुछ बातें यहाँ पर, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं वन बाय वन, इसके बारे में भी आप पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। तो देखिए सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं प्री टर्म बेबी की, किसकी बात करते हैं, प्री टर्म बेबी की, प्री टर्म बेबी, और प्री टर्म बेबी क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हाई रिस्क है, ठीक है, हाई रिस्क न्यूनेट कंडीशन है ये प्रीटर्म बेबी। तो प्रीटर्म बेबी अपन कह सकते हैं ऐसा बेबी जिसको, जिसका डिलीवरी हुआ है, ऐसा बेबी जिसकी डिलीवरी हुई है बिफोर 37 वीक, बिफोर
37 वीक, ठीक है, ऐसा बेबी जिसकी डिलीवरी 37 वीक से पहले हुई है उसको प्रीटर्म बेबी कहते हैं, ठीक है। और इसकी अपन यदि कैटेगरीज देखें, इसको तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट वन डिवाइड किया हुआ है मॉडरेट टू लेट, मॉडरेट टू लेट LBW, moderate to late LBW, second category है very preterm, second category है very preterm और third category है extreme preterm, extreme preterm, ठीक है, third category है extreme preterm, ठीक है। देखते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट वन मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म की बात अपन करते हैं, तो इसका बर्थ होता है आफ्टर, इसका बर्थ होता है आफ्टर 32 वीक्स, आफ्टर 32 वीक्स, लेकिन बिफोर 37 वीक, यानी कह सकते हैं कि 32 to 37 वीक के बीच में जिसका डिलीवरी हुई है, कब 32 से 37 वीक के बीच में जिसकी डिलीवरी हुई है उसको मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म बेबी कहा जाता है, ठीक है। 37 वीक से तो पहले हुआ है लेकिन 32 वीक के बाद हुआ है, दैट इज नोन एज मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे अपन बात करते हैं वेरी प्रीटर्म, और वेरी प्रीटर्म की डिलीवरी हुई है 28 के बाद और 32 वीक से पहले, समझने की कोशिश करना, 28 से 32 वीक के अंदर उसकी डिलीवरी हुई है, यानी 28 के बाद और 32 से पहले, 28 के बाद और 32 से पहले जिसकी डिलीवरी हुई है उसको वेरी प्रीटर्म कहा जाता है। और एक्सट्रीम प्रीटर्म की अपन बात करें तो ऐसा बेबी जिसकी डिलीवरी हुई है 28 वीक से पहले, यानी बिफोर 28 वीक जो बेबी है जिसकी डिलीवरी हुई है उसको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया हो। तीनों क्वेश्चंस यहां पर आपको याद रखने हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन मॉडरेट वाला, ठीक है, इसके अंदर आपको याद रखना है 32 to 37, है ना, 32 से 37 वीक के बीच में जिसकी डिलीवरी हुई है उसको मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है 28 से 32 वीक, और थर्ड कैटेगरी है एक्सट्रीम, 28 वीक से पहले जिसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन इन प्रीटर्म बेबीज ड्यू टू, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS, आपने पढ़ा होगा RDS के नाम से काफी फेमस है ये बीमारी, RDS के नाम से काफी फेमस है ये डिजीज, तो RDS इज कॉमनली सीन, ठीक है, इन प्रीटर्म बेबी ड्यू टू, किस रीजन से प्रीटर्म बेबी के अंदर ये मोस्टली सीन होती हैं, कॉमनली देखने को मिलती हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है लिथार्जी, ऑप्शन बी है पुअर हेल्थ, ऑप्शन सी है पुअर सर्फेक्टेंट, ऑप्शन डी है लेस ब्राउन फैट, ठीक है, ब्राउन फैट का कम रहना, सर्फेक्टेंट का कम होना, पुअर हेल्थ होना, लेथार्जी होना, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर देना है आपको, जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पुअर सर्फेक्टेंट होने के कारण से बेबी को, प्रीमेच्योर बेबी को या प्रीटर्म बेबी को RDS हो जाता है, ठीक है, RDS हो जाता है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अभी तक फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन है समझने की कोशिश करना, द इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, यहां पर एंटीबॉडी आपसे पूछी है, IgG के बारे में आपने पढ़ा होगा, एंटीबॉडी के बारे में आपसे पूछा है, फाउंड इन दी मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, यानी क्वेश्चन डायरेक्टली समझने की कोशिश करें, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, सीधी सी बात आप ऐसे याद रखें, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन आप जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन को एंटीबॉडी कहा जाता है, एक टाइप की प्रोटीन्स है, तो
तो ये इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी होती है? अलग अलग टाइप की आपने पढ़ी होगी, आईजीए, आईजीएम, आईजी, आईजीडी, ठीक है, अलग अलग टाइप की आपने पढ़ी होगी, आईजीजी भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन आपके सामने है आईजीए, आईजीजी, आईजीडी और आईजीई। क्या इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन आपके सामने मैंने बता दिए, करेक्ट आंसर आपको बताना है, फिर कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आई जी ए, ठीक है, आई जी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। यहीं पर एक दो क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी एंटीबॉडी या ऐसी इम्यूनोग्लोबिन जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, क्या कर जाती है? प्लेसेंटा को क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है, ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर जाती है, ऐसी एंटीबॉडी होती है, क्या होती है? आईजीजी। कैसी होती है? आईजीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईजीजी, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, एलर्जी के टाइम पर या एनाफाइलेटिक जो कंडीशन होती है उसके टाइम पर सबसे फर्स्ट वन जो एंटीबॉडी होती है, सबसे फर्स्ट वन एंटीबॉडी होती है, रेस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी होती है, वो कौन सी होती है? तो वो होती है आईजीई। याद रहे ये भी क्वेश्चन, आईजीई आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विच इज ऑप्टिमम टाइम टू स्टार्ट वियरिंग, विच इज ऑप्टिमम टाइम टू स्टार्ट वियनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए वियनिंग क्या होता है। सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन माइंड में ये आएगा आपके कि वियनिंग क्या होता है। पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि वियनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, एट बर्थ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर। 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ और एट बर्थ, क्या होता है ऑप्टिमम वियनिंग, ठीक है। पहले वियनिंग अपन समझ लेते हैं। देखिए वियनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके माइंड में डाउट है, जिसने पढ़ रखा है उसको याद है, जिसको पता नहीं है वो समझने की कोशिश करा कि आप सबको पता है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी मदर है अपने बेबी को क्या करा सकती है? फीड करा सकती है। और ये मान के चलिए कि एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि बेबी को 5 to 6 मंथ तक, 5 to 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीड ही करवाना चाहिए, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्राप्त हो सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसको मिल सके, ठीक है। तो एक मदर है, ब्रेस्ट मिल्क देती है उसको 6 मंथ या 1 ईयर, जो आपको सबको पता है कितने टाइम तक देती है। नॉर्मली ये माना गया है, ये गाइडलाइन है कि 5 to 6 मंथ एक बेबी को क्या करवाना चाहिए? ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, ठीक है, और 6 मंथ के बाद ही बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा मिल्क के अलावा कुछ देना चाहिए। तो ये वियनिंग मीन्स आप समझ गए होंगे कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को कुछ भी खाने को या पीने को दे, तो वो होती है वियनिंग। लाइक आप समझ सकते हैं कि एक मदर ब्रेस्ट फीड है, जो कि आप 6 मंथ तक करवा रहे हैं, 6 मंथ के बाद ही आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि काउ मिल्क है, काउ मिल्क है, उसके अलावा अदर मिल्क है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आते हैं, उन सबको बेबी को कब खिलाना चाहिए, कब पिलाना चाहिए? 6 मंथ के बाद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ के बाद ही वियनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। वियनिंग मींस, वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वियनिंग मींस ब्रेस्ट मिल्क के अलावा ब्रेस्ट मिल्क के एक्स्ट्रा में जो भी कुछ प्रोडक्ट यदि बेबी को दिया जाए, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कह रहा हूँ, ब्रेस्ट मिल्क तो देते ही हैं, वो तो देना है, दे सकते हैं 6 मंथ के बाद भी, यदि कोई लेडी, कोई मदर चाहती है कि वो ब्रेस्ट मिल्क करवाए तो करवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई भी फूड पार्टिकल्स, कोई भी प्रोडक्ट यदि बेबी को दे, तो उसको कहा जाता है वियनिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा में ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो फूड या प्रोडक्ट दिए जाते हैं बेबी को, उसको वियनिंग कहा जाता है। वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? वो 6 मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी 6 मंथ से पहले पहले तो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर अ लैक्टेटिंग मदर, एक लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? डेली पर डे के हिसाब से आपको बतानी है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी एक लैक्टेटिंग, लैक्टेटिंग जानते हो, ब्रेस्ट मिल्क यानी फीडिंग करवाने वाली जो लेडी है
उसको कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी होगी। यहीं पर ऑप्शन में अगर लैक्टेटिंग की नहीं बोले तो प्रेग्नेंट लेडी की भी बोल सकते हैं, यानी प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग दोनों मदर्स हैं, उनको कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी होती है पर डे के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है 7 mg, बी ऑप्शन है 1000 mg, सी ऑप्शन है 120 सॉरी 1200 mg और डी ऑप्शन है 500 mg। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 700 mg, बी ऑप्शन है 1000 mg, सी ऑप्शन है 1200 mg, डी ऑप्शन है 500 mg। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1200 mg रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब यहां पर कुछ कंडीशन अपन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको याद रखनी है। देखिए, एक प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर लैक्टेटिंग मदर हो, प्रेग्नेंट लेडी हो या लैक्टेशन वाली ब्रेस्ट मिल्क करवाने वाली मदर हो, उसको डेली रिक्वायरमेंट अपन देखें तो 1000 से लेकर 1500 तक एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। किसको? एक प्रेग्नेंट लेडी हो या ब्रेस्ट फीड करवाने वाली लेडी हो, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1000 से लेकर 15000 mg तक होती है। ठीक है, 1000 से लेकर 15000 mg तक, सॉरी 1500 mg, 1000 से लेकर 1500 mg तक होती है। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन आपको लगेगा कि 1200 क्यों माना, 1200 इसलिए माना, 1200 इसलिए माना क्योंकि यहां पर ऑप्शन में यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है करेक्ट नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अपन ने सी ऑप्शन को करेक्ट माना। लेकिन अपन एक्चुअली देखें तो 1000 से लेकर 1500 तक की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग लेडी को। अब आप कहेंगे कि नॉन प्रेग्नेंट को कितनी होगी, तो नॉन प्रेग्नेंट का भी आप याद रखें, नॉन प्रेग्नेंट के लिए होता है 500 mg पर डे। ठीक है, 500 mg होता है किसके लिए है? नॉन प्रेग्नेंट के लिए। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर याद रखें, नॉन प्रेग्नेंट के लिए, नॉन प्रेग्नेंट के लिए होती है 500 mg और प्रेग्नेंट और लैक्टेशन के लिए होती है 1000 से लेकर 1500 तक। ठीक है, यानी 1000 से लेकर 1500 तक एक फीमेल को जरूरत होती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, विच ऑफ दी वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूड इन अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग आप सबको पता है, आप सबने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा क्योंकि काफी फोकस किया जाता है अपगार स्कोरिंग पर। अपगार स्कोरिंग को काफी फोकस किया जाता है क्योंकि पीडियाट्रिक स्टार्ट करते ही असेसमेंट पढ़ाते हैं, इमीडिएट केयर पढ़ाते हैं, उसके बाद अपगार स्कोरिंग पढ़ना होता है। ठीक है, आप सबको पता है अपगार स्कोरिंग के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है, विच ऑफ दी वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं है। देखिए ये शब्द फिर आ गया, नॉट इंक्लूड। ठीक है, काफी सारे देखेंगे, काफी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मैं हर बार बताता हूँ, बार बार बताना जरूरी नहीं है, आप समझदार हैं। ठीक है, तो कौन सा इंक्लूड नहीं है अपगार स्कोरिंग में, कौन सा इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कलर, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है हार्ट रेट, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। कौन सा इंडिकेटर्स या कौन सा वाइटल साइन यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, चलिए बताइए इसका आंसर, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है टेम्परेचर, जो कि अपगार स्कोरिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आप सबको पता है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपगार स्कोरिंग के लिए, इसके बाद नेक्स्ट एक सेपरेट क्लास आपको मिलेगी जिसके अंदर अपगार स्कोरिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन देख लेते हैं अपगार स्कोरिंग के अंदर, अपगार स्कोरिंग के अंदर कौन कौन से वाइटल साइन हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। देखिए, A4 होता है अपीयरेंस, क्या होता है? अपीयरेंस होता है, और अपीयरेंस मीन्स कलर से रिगार्डेड है। ठीक है, किससे रिगार्डेड है? कलर से रिगार्डेड है। P4 अपन बात करें तो पल्स, यानी पल्स रेट यानी हार्ट रेट के बारे में यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, हार्ट रेट के बारे में इन्वॉल्व है। G4 होता है ग्राइमेस, ग्राइमेस होता है, और ग्राइमेस रिलेटेड टू रिफ्लेक्स। ठीक है, ग्राइमेस रिलेटेड टू रिफ्लेक्स। ए की बात करें तो ए होता है एक्टिविटी, क्या होता है? ए होता है एक्टिविटी, और एक्टिविटी रिलेटेड टू मसल टोन, एक्टिविटी रिलेटेड टू मसल टोन। ठीक है, एक्टिविटी रिलेटेड टू मसल टोन। आर की बात करें तो R4 होता है रेस्पिरेशन, R4 होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कह सकते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट।
रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है। तो ये अपगार स्कोरिंग के अंदर अपगार स्कोरिंग के अंदर ये कुछ पैरामीटर्स है, कुछ सिस्टम है जो कि आपको याद रखने हैं। इनके बारे में पूरा अपन डिस्कस करेंगे, कितने कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 0, 1, 2 इस तरीके से इनमें रैंकिंग होती है, ठीक है। तो अपन आगे डिस्कस कर देंगे फर्दर एक सेपरेट सेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आगे अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है, और समझ आए होंगे, और इन सबको याद भी रखना है क्योंकि सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द लाइट ऑफ विच कलर, कलर यहां पर पूछा है, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस आप सबने पढ़ा होगा जॉन्डिस के बारे में, जॉन्डिस कॉमनली भी होता है और नियोनेट्स के अंदर भी होता है। नियोनेट्स के अंदर अलग अलग होता है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों टाइप्स के होते हैं। यहां पर अपन उनकी बात नहीं करें, केवल ये पूछा है कि जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो फोटोथेरेपी, एक तरीके से फोटोथेरेपी आपने सुनी होगी, उसके अंदर जो लाइट ली जाती है, उसके अंदर जो लाइट यूज की जाती है वो किस कलर की लाइट यूज की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है फिर आपको बता दिया जाएगा। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी है ब्लू कलर। कौन से कलर की लाइट है जो कि काम में ली जाती है एक फोटोथेरेपी के अंदर या फिर ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉइंटिस के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ब्लू लाइट है जो कि ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि ये मोर इफेक्टिवली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बिलीरुबिन जो होता है आप सबको पता है जॉन्डिस कब होता है, जब क्या हो जाता है, जब बिलीरुबिन की अमाउंट बढ़ जाती है, जब बिलीरुबिन है जिसका अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी ब्लड के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जॉन्डिस होता है। अब यहाँ पर जो फोटोथेरेपी यूज की जाती है बच्चों के अंदर, आप सबको पता है फोटोथेरेपी काम में ली जाती है, और फोटोथेरेपी के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो लाइट काम में ली जाती है वो ब्लू कलर की लाइट काम में ली जाती है। और साथ ही अगर ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर है जो कि क्या कर लेता है, बॉडी को इंटरफेयर करता है, बॉडी की जो स्किन है उसमें इंटरफेयर करता है, इसलिए ब्लू कलर और व्हाइट कलर भी अपन यूज कर सकते हैं, या तो ब्लू कलर या फिर व्हाइट कलर की लाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको यहां तक समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS, ठीक है, एक ORS बना हुआ है और ORS को आपको यूज करना है, विद इन कितने टाइम के अंदर अंदर आपको ORS को यूज करना है। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए, और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर उसको यूज नहीं किया तो फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। टाइम में आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है 12 आवर, ऑप्शन बी है 36 आवर, ऑप्शन सी है 24 आवर, ऑप्शन डी है 48 आवर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ORS प्रिपेयर किया, जैसे अभी अपन ने प्रिपेयर किया, ठीक है, इस टाइम प्रिपेयर किया, मान के चलो 10 बजे आपने प्रिपेयर किया, तो 10 बजे से लेकर वापस 10 बजे तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, वापस 10 बजे तक यूज कर सकते हैं। किस 10 की बात कर रहा हूं मैं, 24 आवर यहां पर आप काउंट कर लेना है, 24 आवर के अंदर अंदर इसको आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि फिर ये एक तरीके से, बाकी ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है कि इससे कोई दिक्कत होती है ये होती है, लेकिन मिनिमम मान के चले कि 24 आवर के बाद इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर 24 आवर के बाद इसका यूज करते हैं तो इसके अंदर जो भी साल्ट होते हैं, जो भी इसके कंटेंट्स होते हैं, उसके अंदर चेंजेस होने लगता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि विद इन 24 आवर के अंदर ही आपको उसको यूज करना है, अगर ज्यादा टाइमिंग हो जाता है तो फिर उसको डिस्कार्ड करके दूसरा ORS साल्ट तैयार करना है, ORS सॉल्यूशन तैयार करना है और उसको काम में लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको समझ आए होंगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे।
बाकी ऐसे ही क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से और नए सेशन नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ ऐसे ही। और इन सब का PDF नोट्स आपको चाहिए और ऐसे ही बुक्स नोट्स और साथ ही काफ़ी सारे सेशंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो ये मीडियाज़ के लिंक्स हैं या नाम है, आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इन सबको पढ़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बने रहिए जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।